लालबर्रा पुलिस ने 19 अप्रैल की सुबह 3 बजे अवैध रूप से परिवहन की जा रही अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। बदमाश से चर्चा में अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्यवाही का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी मनीषा राम रोमड़े ने बताया कि 19 अप्रैल को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक वैगनर कार से मोहबर्रा थाना उगली निवासी भुवनेश्वर साहू भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर उगली से डूठी नहर वाले रास्ते से नहर के किनारे किनारे जाम की ओर लेकर आ रहा था। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए डूठी बांध से जाम की ओर आने वाली नहर में खैरगांव सेलवा लोहा पुल के पास ड्यूटी बांध की ओर से आने वाली सफेद रंग की वैगनर कार को रोका गया, जिसे थाना उगली मोहबर्रा निवासी 38 वर्षीय भुवनेश्वर पिता अमीर चंद साहू चला रहा था। कार की तलाशी लेने पर कार में लगभग 75,385 रुपए आंकी गई है। अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री के संबंध में लगातार खबरें मिलती थी और शिकायतें मिलती थी। इसमें श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय बालाघाट जोन, DIG महोदय बालाघाट जोन, SP साहब, एडिशनल SP साहब और SDP साहब के द्वारा निर्देशित किए गए थे कि अवैध शराब पर कार्रवाई करें। इसी के तहत हमारे द्वारा मुखबिरों को सक्रिय किया गया और इसमें हमें रात्रि में सफलता मिली। करीब 3 बजे हमें ड्यूटी डैम तरफ से जाम की ओर एक 4-व्हीलर के माध्यम से अंग्रेजी शराब काफ़ी तादाद में आने की सूचना मिली थी, जो हमारी पुलिस टीम और पंचानों के एक वैगनर गाड़ी जब्त की है, जिसमें MD नंबर 1 की विस्की और रम और रॉयल स्टेज की विस्की कुल 70 लीटर करीब शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 76,000 और वैगनर गाड़ी जब्त की है। आरोपी उगली के रहने वाला है, उगली गांव का, उगली क्षेत्र के, जिसका उमेश नाम है और ये उगली के अंग्रेजी शराब दुकान। लॉकडाउन अवधि के दौरान आम नागरिक अपने अपने घरों में रहकर के निरंतर नियमों का पालन कर रहे हैं, वहीं कुछ असामाजिक तत्व लगातार शराब की बिक्री कर गांव का माहौल अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें निरंतर पुलिस प्रशासन को क्षेत्रीय लोगों के द्वारा दी जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी बड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके पश्चात कल मुखबिरों से सूचना मिलते ही लालबर्रा पुलिस के द्वारा रात्रि में ढूटी घाट से एक कार को आते हुए जब्त किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। यह आरोपी शराब का जखीरा लेकर के बालाघाट की ओर रवाना हो रहा था, जिसे रास्ते में ही पकड़कर उसके पास से सारा जखीरा जब्त किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो कार है जिसमें वो आरोपी उगली से होता हुआ निकला और ड्यूटी घाट तरफ से नहर से होते हुए लालबर्रा की ओर आ रहा था, जिसे मुखबिरों से जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग के द्वारा पकड़कर उसके खिलाफ 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है और साथ में अन्य जो आरोपी हैं जिनके माध्यम से शराब भेजी गई थी उनके खिलाफ भी मामला कायम किया गया, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। कैमरामैन राजा मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज, लालबर्रा। लालबर्रा मुख्यालय में लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बिरसोला में पुलिस ने एक युवक को तलवार लेकर लोगों को डराते धमकाते हुए गिरफ्तार किया। बदमाश से चर्चा में थाना प्रभारी मनीषा राम रोमड़े ने बताया कि 18 अप्रैल को कोरोना महामारी के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें रात्रि लगभग 10:30 बजे सूचना मिली कि बिरसोला चौक में 20 वर्षीय युवक रूपेश कांतोड़े धारदार लोहे की तलवार लेकर मोहल्ले के लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और कार्यवाही की। ये अभी जो कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए और पालन कराने के लिए हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार भ्रमण पर रहती है। इसी भ्रमण के दौरान ग्राम बिरसोला में एक व्यक्ति के द्वारा गाँव में तलवार लहराकर गाँव में दहशत फैलाने की सूचना मिली थी, जो कि हमारी पार्टी पहुंची और एक व्यक्ति को देखा वहां पर नंगी तलवार लहराते हुए गांव में दहशत फैलाते हुए पाया गया, जिसको तत्काल बमुश्किल काबू में करके उसके पास से एक लोहे की धारदार तलवार बरामद की है। ये आरोपी रुपेश पिता घनश्याम कांतोड़े है, जाति कुलवी।